नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेन ज्ञान में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दिब्रुगढ़ टाउन से ओल्ड दिल्ली के बीच चलने वाली ब्रह्मपुत्रा मेल के बारे में। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए और साथ साथ डेली रेलवे न्यूज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। बात की जाए ब्रह्मपुत्रा मेल की तो ट्रेन ऑपरेट करती है 140551 40056। अगर इस ट्रेन की बात की जाए तो एक डेली सर्विस ट्रेन है जो कि ओल्ड दिल्ली से दिब्रुगढ़ जो पड़ता है असम में, इसके बीच चलती है। ये एक मेल एक्सप्रेस ट्रेन है जो नॉर्दर्न रेलवे जोन द्वारा देखरेख करी जाती है। अगर इसकी हिस्ट्री में जाए दोस्तों तो ये ट्रेन स्टार्ट हुई थी 1972 में, तो यानी कि बहुत पुरानी ट्रेन है ये। और जब ये ट्रेन का चलाई गई थी तो इसका नाम था तिनसुखिया मेल, जो कि ओल्ड दिल्ली से न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन तक चलती थी, क्योंकि न्यू जलपाईगुड़ी से दिब्रुगढ़ के बीच गॉज पर मतलब जो थी वो ब्रॉडगेज ना होके मीटर गेज लाइन थी, तो इस वजह से इसको न्यू जलपाईगुड़ी तक चलाया जाता था। बट जब गॉज कन्वर्जेशन हुआ, मतलब कि गॉज नैरो गेज से ब्रॉडगेज में हुआ, तो इसको ट्रेन को तिनसुखिया नाम से हटा के ब्रह्मपुत्रा मेल कर दिया गया और इसको एक्सटेंड कर दिया गया गुवाहाटी जंक्शन तक। तो अब ये ट्रेन गुवाहाटी तक चलती है। इसके अगर स्टॉप्स की बात की जाए तो करीबन 62 स्टॉप्स हैं। डिस्टेंस ट्रैवल की बात की जाए तो 2596 किलोमीटर का इसको टाइम लगता है, ये डिस्टेंस ट्रैवल करती है। क्लासेस की बात की जाए तो इसमें ICF रेक शेयर होते हैं, जिसमें से एक सेकेंड AC का कोच, 3 थर्ड AC, 11 स्लीपर क्लास, 6 जनरल अनरिजर्व, 2 SLR और 1 पेंट्री कार का यूज़ होता है। ऑपरेटिंग स्पीड की बात की जाए तो मेल एक्सप्रेस ट्रेन है तो इसकी मिनिमम इंक्लूडिंग हॉल्ट स्पीड है 45 और मैक्सिमम स्पीड है 1110 km/h। रूट्स या हॉल्ट की बात की जाए तो दिब्रुगढ़ जंक्शन से निकल के न्यू तिनसुखिया जंक्शन, गुवाहाटी, न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन, मालदा टाउन, भागलपुर, जमालपुर जंक्शन, पटना जंक्शन, मुगलसराय जंक्शन, मिर्ज़ापुर, अलाहाबाद, कानपुर, अलीगढ़ जंक्शन, गाज़ियाबाद होते हुए ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचती है। लोकोमोटिव की बात की जाए तो WEB-4 या WEB-7 का लोकोमोटिव यूज़ होता है दिल्ली से क्यूल तक। क्यूल बेसिकली पड़ता है दोस्तों बिहार में जमालपुर से पहले, तो यहाँ तक इलेक्ट्रिफाइड पूरा है रूट, तो इसलिए यहाँ पे WEB-4 WEB-7 का लोकोमोटिव यूज़ होता है। उसके बाद दिब्रुगढ़ तक कुछ रूट्स पे इलेक्ट्रिफाइड नहीं है तो WDP-4B का लोकोमोटिव यूज़ होता है दिब्रुगढ़ तक। टाइमिंग्स की बात की जाए दोस्तों तो ये 14055 जो है वो दिब्रुगढ़ टाउन से हर रात 11:25 पर निकलती है और करीबन चौथे रोज़ ओल्ड दिल्ली पहुँचती है 6:05 पर। फिर 14056 जो है रिवर्स डायरेक्शन में निकलती है ओल्ड दिल्ली से रात में 11:40 पे और करीबन चौथे रोज़ 4:25 पे दिब्रुगढ़ टाउन पहुंचती है। इसके अगर कुछ ट्रिविया की बात की जाए तो उस तक तो ये बहुत पुरानी ट्रेन है इस जोन की, तो और ये जो ट्रेन है दोस्तों मैक्सिमम टाइम लेट ही होती है। मान के चलिए अब 4 दिन तो लग रहा है आपको जाने में, बट इस ट्रेन में आप बैठे बैठे आपको 5 दिन भी लग सकते हैं। अगर हम यहीं से क्या कहते हैं ये ट्रेन क्यूल तक की बात करें तो, या जमालपुर की मैं बात करता हूँ, यहाँ से अगर आप रात में चलते हैं दिल्ली से तो नेक्स्ट डे से नेक्स्ट डे मतलब आपको या तो रात हो सकती है तो 3 दिन लग सकते हैं सिर्फ आपको जमालपुर तक पहुँचते। तो इस लोग को लोग प्रेफर करते हैं जो गुवाहाटी जाना चाहते हैं, जिनको टिकट नहीं मिल पाती है तो ब्रह्मपुत्रा मेल में प्रेफर करते हैं। इसके साथ कुछ एक्सीडेंट्स भी हुए हैं दोस्तों। पहला एक्सीडेंट हुआ था दिसंबर 1996 में, एक मतलब बॉम्ब विस्फोट हुआ था इसके अंदर। कहाँ हुआ था? खुगरिया और न्यू बोइंग रोड करके कोई जगह है गुवाहाटी के अंदर ही, मतलब असम के डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ था। वहाँ पे कोई बोडो मिलिटियंस ने इसके ऊपर कराया गया था, मतलब उन्होंने अटैक किया था। इसमें करीबन 30,000 लोग की जान गई थी और उसमें से बहुत सारे लोग वो इंजर्ड हुए थे और करीबन ट्रेन जो है डिरेल्ड हो गई थी। उसके बाद अगर दूसरे एक्सीडेंट की बात की जाए, दूसरा एक्सीडेंट था ग्लेशियर रेल डिज़ास्टर। इसका नाम ऐसा क्यों रखा? तो दोस्तों ये क्या हुआ था, अवध असम एक्सप्रेस है जो चलती है वो और ब्रह्मपुत्रा मेल की दोनों की टक्कर हो गई थी 2 अगस्त 1999 में। तो इस टाइम क्या हुआ था करीबन कि मतलब अवध असम एक्सप्रेस एक जगह खड़ी थी और ब्रह्मपुत्रा आगे से या पीछे से कहीं से उसने टक्कर मारी थी। तो क्या हुआ था कि और स्टेशन का नाम जो था वो जो जहाँ कोलिजन हुआ था वो GCL करके कोई स्टेशन था, तो इसलिए इसका नाम GCL रेल डिज़ास्टर रखा गया। और ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर था, ये दोनों बहुत बड़े डिज़ास्टर हैं उस टाइम के और इंडियन रेलवे की हिस्ट्री का ये बहुत पुराना मतलब कहे तो एक तरह दर्दनाक हादसा है। तो उस दिन क्या हुआ था, करीबन रात के 1:30 बज रहे थे GCL स्टेशन पे, अब पीछे से ट्रेन आई कि आगे से आई
वो उतना मुझे पता नहीं है, बट ट्रेन ने टक्कर मारी थी और इससे क्या हुआ था कि ट्रेन डिरेल्ट हो गई थी और उसमें बहुत लोगों की जान गई थी। तो अगर कहा जाए तो ऑफिशियली जो कहते हैं उसमें करीबन कहते हैं कि 50 ऐसे करीबन लोग मारे गए थे, 300 पीपल मारे गए थे। बट अगर लोकल्स की बात करें उस टाइम की, जो मतलब न्यूज़पेपर में आया था आर्टिकल, तो कहा जाता है कि 300 से ज़्यादा पर्सन ही मरे थे और बहुत ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।